मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार की राजधानी बन चुका है, इसका जीता जागता उदाहरण हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने पैसा नियम 2022 बनाए और उन्हीं नियमों के तहत पैसा कानून को 89 ट्राइबल ब्लॉकों में लागू करने के लिए जो नियम बनाए थे उसके तहत पैसा कोऑर्डिनेटर की भर्ती की गई थी। मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से जो विज्ञप्ति निकली 2021 में और विज्ञप्ति के आधार पर कहा गया था कि जो 12th और बैचलर डिग्री जिन युवाओं ने आदिवासी युवाओं ने पास किया गया उनके मार्क्स के आधार पर मेरिट के आधार पर उनकी लिस्ट बनाई जाएगी और लिस्ट के आधार पर ही उनका चयन किया जाएगा। लेकिन हाल ही में जो लिस्ट जारी हुई है इसमें सबसे बड़ा धोखा उन बेरोजगार आदिवासी युवाओं के साथ मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने कहा, जिनकी जो 890 छात्र छात्राएं थे जो मेरिट के आधार पर जिनकी लिस्ट बनी थी जो विज्ञप्ति 2021 में निकली थी उनकी जो मेरिट 890 छात्रों की मेरिट बनी थी और उसी मेरिट के तहत 8-9 फरवरी को नौ दस ग्यारह बारह फरवरी को इनका इंटरव्यू होना था, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने उस इंटरव्यू को 8 तारीख को ही एक आदेश के तहत उस इंटरव्यू कैंसिल कर दिया। लेकिन आज इसी फरवरी के अंतिम सप्ताह में जो पेशा कोऑर्डिनेटर की नियुक्ति की गई उनका न तो किसी का इंटरव्यू हुआ और वो भारतीय जनता पार्टी जुड़े भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से जुड़े संगठनों के आदिवासी युवाओं को इसमें भर्ती किया गया। ये कहीं ना कहीं प्रदेश के उन करोड़ों लाखों आदिवासी युवाओं के साथ बेरोजगार युवाओं के साथ धोखा है जो इतनी कड़ी मेहनत कर पढ़ाई लिखाई करते हैं और पढ़ाई लिखाई करने के बाद में मजदूरी करके कहीं ऐसे छात्र छात्राएं जिनके माता पिता मजदूरी करते हैं किसानी करते हैं और बड़ी मुश्किल से परीक्षाओं के फॉर्म भरते हैं। आज दिनांक तक उन चयनित युवाओं के न तो परीक्षा के फॉर्म वापस किए न उनको किसी प्रकार से सूचना दी गई कि तुम्हारे इंटरव्यू कैंसिल हो गए, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने उन लाखों उन हजारों आदिवासी बेरोजगार युवाओं के साथ धोखा करते हुए जो पेशा कोऑर्डिनेटर की नियुक्ति कर दी पिछले दरवाजे से कहीं ना कहीं धोखा है। ये नियुक्ति पूरी तरह फर्जी है और मध्य प्रदेश सरकार से हम मांग करते हैं कि पेशा कोऑर्डिनेटर के नाम पर जो प्रदेश के 89 ट्राइबल ब्लॉक के हजारों बेरोजगार युवाओं के साथ धोखा हुआ है इस नियुक्ति को तुरंत निरस्त करें और नए सिरे से इंटरव्यू हो, नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया एकदम पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के नियमों का पालन किया जाए और युवाओं को भर्ती किया जाए। ये हम मध्य प्रदेश सरकार से मांग करता हूँ।